नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक क्वालिटी इंजीनियर या फिर एक QA या QC इंजीनियर को क्या क्या पता होना चाहिए, आप एक बेहतर क्वालिटी इंजीनियर कैसे बन सकते हो और एक क्वालिटी इंजीनियर से इंटरव्यू के दौरान क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएँ, जो सिस्टम उन्हें नहीं पता है उनको सीखें और अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ और अपने आप को प्रूव कर पाएँ। तो चलिए फिर वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट स्टार्ट। दोस्तों, जो पहली टिप है वह है अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टेजेस। जो एक क्वालिटी इंस्पेक्टर है ये क्वालिटी इंजीनियर है, उसको पता होना चाहिए कि कितने स्टेजेस पे क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है या किस किस स्टेज के ऊपर क्वालिटी इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। बेसिकली सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है IQC या IQA, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल या इनकमिंग क्वालिटी एश्योरेंस। इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जब मटेरियल गेट के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी जाँच की जाती है कि जो आपने मटेरियल ऑर्डर किया था, जिस क्वालिटी का मटेरियल आपने मंगाया था, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने मटेरियल मंगाया था, क्या उसी क्वालिटी का मटेरियल आपको रिसीव हुआ है या इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स अलग हैं। तो इनकमिंग स्टेज के अंदर हम जो इंस्पेक्शन करते हैं उसको IQA या IQC कहा जाता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज है वो है IPQC या IPQA। IPQC या IPQA के अंदर हम इंस्पेक्शन करते हैं इन प्रोसेस स्टेज के अंदर, जब मटेरियल लाइन के ऊपर चल रहा होता है उस दौरान हम जो लाइन इंस्पेक्टर हमारा जा जाके हर 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद जो भी हमारा सैम्पलिंग प्लान है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी डिफाइन है उसके हिसाब से जाके जब इंस्पेक्शन करता है उसको हम IPQC या IPQA बोलते हैं। इसको अक्सर पेट्रोल इंस्पेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। के बाद जो हमारी तीसरी स्टेज है वह है FQC या FQA, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। जब फाइनल स्टेज पे मटेरियल होता है, पैक करने से पहले जो मटेरियल होता है, जो फाइनल स्टेज पर क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं FQC या FQA, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल या फाइनल क्वालिटी अश्योरेंस। सपोज कि हमारा जो प्रोडक्ट है 4 इन प्रोसेस स्टेजेस से गुजर रहा है तो वो चारों की चारों स्टेजेस के ऊपर हम IPQC करेंगे और जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा तो उस पर हम FQA या FQC करेंगे, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल या फाइनल क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे। और जो सबसे लास्ट स्टेज होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, PDI किया जाता है। जब भी आप मटेरियल कस्टमर के एंड पे पहुंचाएंगे या कस्टमर को भेजने वाले होंगे उससे जस्ट पहले जो इंस्पेक्शन होता है उसको हम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बोलते हैं। जैसे अगर आप बाइक खरीदते हो या कार खरीदते हो या उसकी सर्विस कभी कराने जाते हो तो जो सर्विस एडवाइज़र होता है या सेल्स एडवाइज़र होता है वो एक PDI रिपोर्ट भरता है कि आपकी गाड़ी पूरी तरीके से चेक कर ली गई है और आप अब गाड़ी ले जा सकते हो। तो ये होता है हमारा PDI स्टेज। FQA हो गया फाइनल स्टेज पे, बिल्कुल जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। PDI हम करेंगे कस्टमर के पास भेजने से पहले। दोस्तों, दूसरी टिप जो है वह है कि आपके जर्नल टॉपिक, आपको एज ए क्वालिटी इंजीनियर जो पता होने चाहिए वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है 5S। जैसा कि मैं इससे पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ 5S के बारे में, 5S एक जैपनीज टर्मिनोलॉजी है, एक जैपनीज सिस्टम है जो हमारे कार्यस्थल को प्रबंधित करने में या व्यवस्थित करने में हमारी मदद करता है, जिसके अंदर 5S होते हैं, सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, सिसु के, शॉर्ट, स्ट्रेटन, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो ये पांचों के पांचों एस आपको पता होने चाहिए और आपको इम्प्लीमेंट इनको करना आना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पे जाके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन टॉपिक है वह है काइजन, और तीसरा है हमारा पोकायोके। कुछ लोग काइजन और पोकायोके को लेके कन्फ्यूज रहते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काइजन का मतलब है कि बेहतर के लिए सुधार करना या निरंतर सुधार करना, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। और पोकायोके का मतलब है कोई ऐसा सिस्टम लगाना जिससे कि कोई व्यक्ति भूल कर भी गलती ना कर सके, मतलब कि गलती से भी गलती ना हो, ऐसा सिस्टम अगर हम
लगा दें तो उसको हम बोलेंगे पुकायोके, और जब भी हम कोई अपने काम करने के तरीके में सुधार करते हैं उसको हम बोलेंगे काइजन। चौथी चीज है पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। अक्सर लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि पीपीएम निकालते कैसे हैं। दोस्तों परसेंटेज रिजेक्शन भी आपको निकालना आना चाहिए और पीपीएम रिजेक्शन भी निकालना आना चाहिए। परसेंटेज रिजेक्शन का मतलब है कि 100 में से आपके कितने पीस रिजेक्ट हो रहे हैं, और पीपीएम का मतलब है 10 लाख में से आपके कितने पीस रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डिटेल में जान सकते हैं। इसके बाद जो आपको जर्नल टॉपिक कह लीजिए या कॉमन चीज़ कह लीजिए, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। जितने भी आपकी कंपनी के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या गेजेज हैं वो किस किस प्रकार के हैं, वर्नियर, माइक्रोमीटर, रिंग गेज, प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज, स्लिप गेज, बोर गेज, एयर प्लग गेज, तो जितनी तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट और गेजेस इस्तेमाल होते हैं। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन आपको उस इंडस्ट्री के जो इंस्ट्रूमेंट और गेजेस हैं वो पूरे तरीके से चलाने आने चाहिए। उनका लिस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए कि ये लिस्ट काउंट इसका क्या है, किस एक्यूरेसी तक ये हमें रिजल्ट देगा, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कि थ्रेड प्लग गेज को किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है, और प्लग गेज को किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, स्लिप गेज को किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है। दोस्तों जो टिप नंबर 3 है वह सबसे अहम है किसी भी क्वालिटी इंजीनियर के लिए। लोगों को पता ही नहीं होता 7QC टूल्स के बारे में। 7QC टूल्स ऐसे 60 टूल्स हैं जो कि किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको ये सातों के सातों क्वालिटी टूल्स यूज़ करने आने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने आने चाहिए, आपको इन पे वर्किंग करनी आनी चाहिए और आपको इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको 7QC टूल्स नहीं आते तो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम करना बेकार है। और ये 7QC टूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला होता है चेकशीट, सेकंड है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको हम रूट कॉज एनालिसिस भी बोलते हैं, फिशबोन डायग्राम भी बोल देते हैं। इसके बाद है हमारा पैरेटो चार्ट, स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम और कंट्रोल चार्ट्स। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप ऊपर आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके वीडियो पे जा सकते हैं। दोस्तों आपको KPI या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MRM मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। आपको अपने KPIs पता होने चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट के KPI क्या है, आपको किन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर काम करना है ताकि आपके डिपार्टमेंट का गोल अचीव हो सके। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डेली क्या क्या MIS जनरेट करनी है, वीकली क्या क्या MIS जनरेट करनी है, मंथली क्या क्या MIS जनरेट करनी है, और आपको एक MRM मीटिंग भी करनी चाहिए अपने डिपार्टमेंट की। उसके बाद जो पांचवी जो टिप है वह है रेड बिन एनालिसिस। दोस्तों मैं इसमें टोटल आपको 20 चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ऐसे 20 टिप्स आपको देने वाला हूँ जो एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको पता होना चाहिए और आपको उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। रेड बिन एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली डेली बेसिस पे जो रिजेक्शन हमारी मशीनों से निकलते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, पहले इंडिविजुअल रेड बिन्स के अंदर उनको डाला जाता है हर मशीन पे, फिर उनको एक सेंट्रलाइज रेड बिन में लाया जाता है और डेली के डेली जितने भी डिफेक्ट निकले हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि डिफेक्ट किस किस कारण से निकले और उन पे एक्शन लिया जाता है, ताकि हम डेली के डेली जो रिजेक्शंस निकल रहे हैं उन पे एक्शन ले सकें और जो है प्रॉब्लम वो ज़्यादा बड़ी ना हो। इसके बाद जो सबसे कॉमन चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं, फिट्स टॉलरेंसेस क्या होती हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिसिटी का क्या सिंबल है, पैरेललिज्म का क्या सिंबल है, रफनेस एवरेज का क्या सिंबल है, कौन सा ग्राइंडिंग सरफेस है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए, तभी आप ड्राइंग को ढंग से पढ़ पाएंगे और इंस्पेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों टिप नंबर 7 है 8D या कापा। 8D क्या होता है? 8 डिसिप्लिन्स। बेसिकली क्या है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर जब हम एक्शन लेते हैं
उस पर दो तरीके के एक्शन लिए जाते हैं, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। तो उस करेक्टिव एक्शन को और प्रिवेंटिव एक्शन को लेने के बाद प्रॉब्लम दोबारा अराइज नहीं होनी चाहिए। कंप्लेंट या प्रॉब्लम इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, कस्टमर से भी आई हुई हो सकती है। तो हमें दोनों ही केस में 8D या कापा बनाना आना चाहिए और उस पर काम करना आना चाहिए। दोस्तों, एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको IATF के 5 Core Tools के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि IATF के 5 Core Tools क्या क्या हैं। IATF के 5 Core Tools होते हैं APQP, FMEA, PPAP, SPC और MSA। APQP होता है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। जब भी कोई नया ऑर्डर आता है डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हम किस किस स्टेज से कब कब गुजारेंगे, ऑर्डर आने से लेके ट्रायल फेज तक, प्रोडक्शन फेज तक हम क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग की जाती है APQP के अंदर। PFMEA के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ फेल हो सकता है, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इसके बाद होता है PPAP, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। इसके अंदर बेसिकली कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमें बनाना होता है, क्रिएट करना होता है, कस्टमर को सबमिट करना होता है जब भी कोई हमारा पार्ट प्रोडक्शन के अंदर आता है। इसके बाद आता है SPC, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और लास्ट है हमारा MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो दोस्तों, आपको ये पांचों के पांचों कोर टूल अच्छे से आने चाहिए और आपको इनको यूज करना आना चाहिए। इसके बाद जो हमारी अगली टिप है, टिप नंबर 9, वह है 4M चेंज मैनेजमेंट। 4 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 चीज़ें लगती हैं। जब इन 4 चीज़ों में कोई भी बदलाव आता है उसको हम बोलते हैं 4M चेंज, और उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कौन कौन से एक्शंस लेने हैं, उसको हम बोलते हैं 4M चेंज मैनेजमेंट। तो आपको 4M चेंज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसको मैनेज करना आना चाहिए। इसके बाद जो अगली टिप है वह है क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल बेसिकली एक छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं किसी की भी कंपनी के अंदर, छोटी छोटी स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए टीम बनाई जाती हैं, CFTs बनाई जाती हैं, जिनका काम होता है कोई भी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट लेना। सपोज़ मैंने एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट लिया कि मैं जो है पिट हॉल वाला जो डिफेक्ट है उसको इतने PPM पे ले आऊँगा, तो उसके लिए हम एक टीम बनाएंगे और उस पर हम एक्शन लेंगे और उस पर काम करेंगे। तो ये सारा फंक्शन कौन करता है, एक क्वालिटी सर्कल करता है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आप अपनी कंपनी के अंदर क्वालिटी सर्कल्स बनाइए और इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। दोस्तों, टिप नंबर 11 है PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्शन। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वह 4 स्टेजेस से निकलता है, प्लान, डू, चेक, एक्शन। तो आपको PDA साइकिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपको ये साइकिल इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप है वह है अवेयरनेस ऑफ PPAP डॉक्यूमेंटेशन। आपको PPAP के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि कंट्रोल प्लान होता है, PFD होता है, पार्ट सबमिशन वारंट होता है, मेजरिंग एड्स होती हैं, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इनके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग बोल देते हैं कि मेरे को PPAP डॉक्यूमेंट्स बनाने आते हैं, लेकिन वो करते क्या है कि पुराना वाला जो PPAP बना हुआ होता है उसी को कॉपी पेस्ट मार के उसमें बस पार्ट वार्ट का नाम बदल दिया, डायमेंशन चेंज कर दी और बन गया PPAP। लेकिन आपको तरीके से PPAP डॉक्यूमेंट्स बनाना आना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। उसके बाद है कैलिब्रेशन एंड इट्स प्रोसीजर। बेसिकली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जब उनको यूज़ करते हैं, वो समय के साथ साथ उनमें वियर आउट हो जाता है, घिस जाते हैं, तो एक डिफाइंड फ्रिक्वेंसी के बाद उनको कैलिब्रेट करना होता है। कैलिब्रेट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक गिलास है जिसमें 250 ml पानी आता है, तो एक साल बाद मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि क्या उसमें अभी भी 250 ml पानी आ रहा है या अभी 248 आने लग गया है या 249 आने लग गया है, पता चला वो साफ करते करते ऊपर से घिस गया। तो इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट का भी कैलिब्रेशन किया जाता है, जब उनको हम यूज़ करते हैं तो वो वियर आउट हो जाते हैं, उनमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उनको आइदर इंटरनल कैलिब्रेशन किया जाता है, इन हाउस कैलिब्रेशन, या फिर थर्ड पार्टी से बाहर से जो कि NABL एक्रेडिट लैब होती है उससे कैलिब्रेट कराया जाता है। तो कैलिब्रेट कराने का भी हर कंपनी का प्रोसीजर होता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बेस होता है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैलिब्रेशन
क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है और कैलिब्रेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्या है। इसके बाद जो हमारी टिप नंबर 14 है वह है कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग। अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आ रही है तो आपको QPR रिपोर्ट बननी आनी चाहिए, उसको एनालाइज करना आना चाहिए प्रॉब्लम को, उसका फिशबोन डायग्राम बनाना आना चाहिए, उस पर 80 आपको बनाना आना चाहिए ताकि अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है आप उस पर तुरंत एक्शन लें और तुरंत उस पर कापा बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें और कस्टमर को रिप्लाई करें। मैं कई कंपनियों में जाता हूँ, वहाँ कस्टमर बार बार फॉलोअप करते हैं, जी आपने कापा नहीं भेजा, अभी आपने कोई क्लोज़र नहीं भेजा, तो वो होता है इसलिए कि उनको पता ही नहीं होता कि कापा कैसे बनाना है या 80 कैसे बनाना है। तो आप ऐसे ना रहें, आप ये जो है कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग को पूरा समझें और इसमें जो टूल यूज़ होने हैं उनको आप सीखें और उनको तरीके से इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इनमें से मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। अगर मैं इस वीडियो के अंदर सब चीज़ें डिटेल में बनाने चले जाऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे लंबी हो जाएगी। तो जो जो टॉपिक्स आप डिटेल में देखना चाहते हैं वो आप मेरे YouTube चैनल पे जो वीडियो लिस्ट है या प्ले लिस्ट है उस पे जाके डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली टिप है वह है प्रोसेस एंड डिफेक्ट नॉलेज। आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उसकी प्रोसेस की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए कि उस कंपनी के अंदर क्या प्रोसेस होती है, किस प्रोसेस पे क्या क्या डिफेक्ट्स निकलते हैं। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर श्रिंकेज आती है, वाइट स्पॉट आती है, ब्लैक स्पॉट आती है। अब ये ब्राइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट तो आते हैं, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं या इन पे हमको क्या क्या एक्शन लेने हैं कि वाइट स्पॉट आना बंद हो जाए, ब्लैक स्पॉट आना बंद हो जाए, श्रिंकेज आना बंद हो जाए या फ्लैश आनी बंद हो जाए, तो हमें उस कंपनी के प्रोसेस और डिफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या अपने डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, क्वालिटी अलर्ट्स बनाने आने चाहिए ताकि कोई अगर प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे आपको कोई एक्शन लेना है, कोई डिस्प्ले करना है, कोई 1 पॉइंट लेसन लगाना है तो वह आप खुद बना सकें, किसी के ऊपर आश्रित ना हो। दोस्तों इसके बाद जो है ज़रूरी सबसे वह है अवेयरनेस ऑफ QMS, ISO या IATF। अकॉर्डिंग टू नीट आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, अगर आप फूड कंपनी के अंदर काम करते हैं तो फूड से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, और आप अगर ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर काम करते हैं तो IATF, ISO, इनके जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 18 है हमारा, कैन टेक पॉइजन टेस्ट। पॉइजन टेस्ट क्या होता है, जब कोई नया इंस्पेक्टर आता है, लाइन इंस्पेक्टर या विजुअल इंस्पेक्टर आता है हमारी कंपनी के अंदर, तो हम उसका पॉइजन टेस्ट लेते हैं। पॉइजन टेस्ट क्या होता है, जिसके अंदर ओके और नॉट ओके पीसीस को मिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद इंस्पेक्टर को दिया जाता है कि आप इसको छांट के निकालिए या इंस्पेक्शन करके निकालिए, इसमें से कौन से ओके हैं कौन से नॉट ओके हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉइजन टेस्ट। तो आपको एज ए क्वालिटी इंजीनियर पॉइजन टेस्ट कंडक्ट करना आना चाहिए। दोस्तों टिप नंबर 19 है हमारी COPQ। COPQ की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है कि हमारी कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर जो जो क्वालिटी इश्यूज आए, चाहे वो कस्टमर कंप्लेंट हो, चाहे वो इन प्रोसेस रिजेक्शन हो, चाहे वो प्रीमियम फ्रेट हो, चाहे वो हमारी फाइनल स्टेज पे जाकर रिजेक्शन हो, तो जितने प्रकार के भी हमारे क्वालिटी इश्यूज आए उनके अंदर क्या खर्चा हमारा हुआ, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के अंदर। तो आपको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि पर पीस के ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या आ रही है। और सबसे आखिरी और सबसे अहम टिप है, एज ए क्वालिटी इंजीनियर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, आपको MS Excel अच्छे से आना चाहिए और आपको आज के ज़माने में गूगल शीट्स भी बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप किसी भी प्रकार के डेटा को एनालाइज कर सकें, उस पर एक्शन ले सकें, क्योंकि क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम ही है जो भी कंपनी के अंदर क्वालिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
उनका डेटा इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना, उनके पैरेटो चार्ट बनाना, उन पे रूट कॉज करना और समस्या को जड़ से ख़त्म करना। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके काम आएगी बहुत, और आप अपने आप को एक बेहतर क्वालिटी इंजीनियर बना पाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।